देखिए, ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी घटना है और हमारे भारतीय सेना के तीन बड़े अधिकारी, एक पुलिस के अधिकारी, दो सेना के अधिकारी और इसके साथ साथ सेना के दो जवान, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो आर्मी डॉग जो आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था, उसने भी गोली खाई, उसने भी अपना बलिदान दिया इस देश की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए। कर्नल मनप्रीत सिंह जी, मेजर आशीष जी, डीएसपी हुमायूं भट्ट, राइफलमैन रवि कुमार, इन सबको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करके इनके सर्वोच्च बलिदान को सिर झुका के नमन करता हूं। और इनके परिजनों पे जो अपार कष्ट आया है, प्रभु उस कष्ट को सहन करने की शक्ति दे। मैं पढ़ रहा था कि कर्नल मनप्रीत सिंह जी को सेना मेडल से सम्मानित किया गया था, हुमायूं भट्ट बताया जा रहा है कि सिविल सर्विसेज क्लियर कर चुके थे, आईजी थे उनके पिताजी, और 2 महीने का उनका बच्चा है। और अपने हैंडलर को बचाने के लिए आर्मी डॉग ने अपनी शहादत दी, मैं उसको भी शहीद मानूंगा, उसने भी अपने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है। लेकिन एक जानवर के मन में भी देश की रक्षा के लिए संवेदना है, मोदी जी की सरकार के मन में कोई संवेदना नहीं है। जिस वक्त हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री जश्न मना रहे थे। जिस वक्त भारत माता के वीर सपूतों के लिए मातम मनाया जा रहा था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नरेंद्र मोदी जी, उनके कार्यकर्ता और उनके नेता मोदी मोदी के नारे लगाकर जुलूस निकाल रहे थे। मैं समझता हूं यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ब्राजील के एक फुटबॉलर के लिए भी प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ जाता है, छोटी छोटी घटनाओं पर उनका ट्वीट और उनकी संवेदना आ जाती है। और कल से लेकर आज तक उनके जश्न की खबरें तो आ रही हैं, उनके जुलूस की और नारों की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन हमारे सेना के तीन अधिकारी अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए देते हैं, एक संवेदना का ट्वीट प्रधानमंत्री जी की ओर से नहीं आया। हमारे जवान शहीद हो गए, एक संवेदना का ट्वीट उनकी तरफ से नहीं आया। ये किस प्रकार की चिंता हमारे प्रधानमंत्री की देश के बारे में है? कभी पुलवामा होता है तो उत्तराखंड में शूटिंग कर रहे होते हैं, कभी कोरोना की महामारी से लाखों लोग मर रहे होते हैं तो बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं, कभी हमारे सेना के अधिकारी अपने प्राणों की आहुति देते हैं देश की रक्षा के लिए तो G20 का जश्न मना रहे होते हैं, जुलूस निकाल रहे होते हैं। ये सब कुछ इस देश के लोग याद रखेंगे और समय आने पर इसका जवाब देंगे। मैं अपनी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी की ओर से, भगवंत मान जी की ओर से, एक एक कार्यकर्ता की ओर से अपने वीर सपूतों को नमन करता हूं, उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन करता हूं। ये देश कभी उनके बलिदान को भुला नहीं पाएगा। लेकिन जिस सरकार ने आतंकवाद के खात्मे का दावा किया था, उस सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं, हमारे जवानों की शहादत कब तक होती रहेगी। पुलवामा हुआ, उसके बाद कई घटनाएं हुई, 4 अगस्त को सेना के टेंट के ऊपर हमला हुआ जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, तो ये कब तक, ये सिलसिला कब रुकेगा? कभी गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं तो ये सिलसिला रुकेगा कब? इस मामले में जो दूसरी बात कही जाती है, पहले भी लगातार इसे लेकर सवाल उठते रहे कि खेल और आतंकवाद साथ में चलना चाहिए, एशिया कप का मैच हो रहा है, भारत पाकिस्तान ने साथ में खेल खेला, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अभी सबसे बड़ा मुद्दा देश की रक्षा का है। प्रधानमंत्री कल जश्न क्यों मना रहे थे, प्रधानमंत्री देश की रक्षा के बारे में क्या चिंता करते हैं और इस पूरी घटना पे सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, इसको उनको सामने आके बताना चाहिए। वरना अभी
पार्लियामेंट का जब स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, विशेष सत्र, उस दौरान आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो निश्चित रूप से इस विषय को संसद के अंदर उठाने का काम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।